काला धन आया, काला धन डबल हो गया। तो ये देखिए, ये सब चूरन चटा रहे हैं, पाई पाई लेके आएंगे भाइयों बहनों। तो ये प्रधानमंत्री ने कितना गंदा बात कहा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गंगाधरी शक्तिमान है, और लोग समझते नहीं है, और हम लोग इनको जहर चटा देंगे अपने वोटों से। 24 में फिर चाय गर्म करेंगे तो चाय जहर बनेगी। बेवकूफ बनाना हमें बंद करो, और हम तुम्हें समझ गए हैं, और तुम्हारा जाना तय है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख। साफ तौर पर इनसे बात करेंगे, इनका जो सरकार को घेरने का जो नजरिया है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। और हम साफ तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि मणिपुर में जिस तरीके से 2.5 महीने हो चुके हैं हिंसा भड़के हुए, सवाल पूछा जाता है तो स्मृति ईरानी संसद में चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि राहुल गांधी गए, उन्होंने दंगा भड़का दिया। ऐसा नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब वो कभी बैठती थी सिलेंडर लेके, तो अब उनको बौखलाहट उनको समझ में आ रहा है कि फिर से जनता जो है रोड पर सिलेंडर लेकर बैठाएगी उनको, और ये 100% बिठाएगी, क्योंकि अमेठी में खुद इनके विरोध में नारे लग रहे हैं कि स्मृति ईरानी मुर्दाबाद और स्मृति ईरानी गो बैक, ऐसा नारे हमने सुने हैं, आपको भी पता होगा। और खुद इनको जनता दौड़ा ले रही है अमेठी में, तो इसका मतलब साफ है कि स्मृति ईरानी अमेठी से साफ है। लेकिन बीजेपी वाले तो दावे कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार जाएंगे। दावा तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं 400 के पार। अच्छा, मैं अभी मैं आप दावा कर रहा हूँ कि अगले साल जो है जो बाइडेन की जगह मैं आ रहा हूँ, और विश्व का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट बन के मैं आ रहा हूँ, तो मान लोगी? नहीं नहीं बताओ, तुम ही लोग तो जो दावे मान करके आके, और जब ये बताओ जबरदस्ती हमारे मुंह में घुसा देते हो, हाँ ये चीज है। लेकिन उनके दावे है ना, 303 सीटें पिछली बार आई थी, तो इसी जब किस बात से आई थी ये पता आपको? पुलवामा के शहीदों के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूंगा, क्या आपका पहला वोट? देखिए क्या होता है, अब चुनाव है, 6,500 करोड़ का जो एडवर्टाइजमेंट लिया हो वो क्या सर्वे में गलत दिखाएगा? मैडम बताइए, हम जनता ने तो नहीं लिया ना 6,500, हमको तो 5 किलो अनाज दे रहे हो, वो भी 5 किलो अनाज 125 रुपये में आता है, और 1,150 का गैस निकाल ले रहे हो, हम जनता तो वैसे ही त्रस्त हैं, और ऊपर से हमको दिखा हमारे बीच तो आ ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम हमारे बीच में आ रहे हो तो तुम बेइज्जती खा रहे हो, जूते खा रहे हो, जैसे पटना में जूते खाए थे कि नोट में चिप कहाँ मिला था बताओ, चिप वाली आंटी को घेर लिया गया था पटना में, और उसके पहले भी ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं जनता के बीच में तो जनता चिल्लाने लग रही है गोदी मीडिया गो बैक, तो ये सर्वे कहाँ कर रहे हैं ये बताइए? स्टूडियो में, ये नोट में चिप वाला भी तो स्टूडियो में ही कहानी बनाए थे ना, 50 फीट जमीन के नीचे डाल दोगे तो उसका सर्वेलेंस बता देगा कितना काला धन है, बताइए? तो ये सब चीजें जनता हम समझ के बैठे हैं। क्या लगता है, काला धन आया? काला धन डबल हो गया स्विस बैंक में, आपको भी पता होगा, और जिस प्रधानमंत्री ने कहा था पाई पाई लेके आएंगे भाइयों बहनों, तो कहने का मतलब क्या होता है पता है, कि पहले जो है ना जब अमित जी टीवी पर आते थे, अमित जी मतलब समझ रही हैं अमिताभ बच्चन, तो कहते थे देवी और सज्जनों, जैसे वो कहते थे तो हम जनता के दिलों में ना करोड़पति बनने की एक जिज्ञासा जागृत होती थी, और अब कोई कहता ना भाइयों और बहनों तो करोड़पतियों की भी रूह कांप जाती है, ये स्थिति है। तो ऐसा ही तो प्रधानमंत्री चाहिए, कहाँ करके आई है, यही तो प्रधानमंत्री चाहिए कि जब भाइयों बहनों बोले तो बड़े बड़े लोग कांप जाएं। अरे मिडिल क्लास यार, मिडिल क्लास की बात बोल रहे, करोड़पति कांप जाएं। करोड़पति मीन्स बहुत पैसे वाले नहीं होते, क्योंकि करोड़ का कोई वैल्यू नहीं होता आज के डेट में। हाँ, किसका वैल्यू होता है, क्या है, कहाँ है करोड़पति? 2-2 करोड़ में फ्लैट बिकते हैं मैडम, 1 करोड़ की क्या वैल्यू है, एक बात की बात कह रहा हूँ। तो उन्हें मिडिल क्लास ही कहेंगे हम, जिनके पास 1-1.5 करोड़ है।
मानती है नहीं मानती, क्यों ने अमीर मानती है। अच्छा करोड़पतियों की बात करेंगी तो 6 से 7 लाख लोग अभी भारत छोड़ के गए हैं। क्यों गए हैं? यहाँ रोजगार नहीं है। क्यों गए? पासपोर्ट सरेंडर कर दिया भारत का, क्यों किया? ये प्रधानमंत्री से आपने पूछा क्यों सरेंडर किया? और क्यों? तो कहने का मतलब यही है कि ये जो है बेवकूफ बनाना हमें बंद करो, और हम तुम्हें समझ गए हैं और तुम्हारा जाना तय है 24 में जनता को। लेकिन ये पसंद आता है कि प्रधानमंत्री तो जनता को ये मतलब मार देंगे भूख से, इनको जाना है। आज बताइए, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मणिपुर के जो राहत शिविर हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अभी ये विपक्षी जो इंडिया वाले वो भी गए हैं, गए हैं। जैसे आपने रंजन जो गौरव गोगोई का बयान सुनिए, चाहे और भी जितने सांसद गए उनका बयान सुनिए, मनोज झा का बयान सुनिए, तो ये लोग रोए हैं वहाँ जाकर, ये लोग वहाँ पर जाके रोए हैं। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि पॉलिटिकल टूरिज्म है, तो सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? घास छिल रहा है। सत्ता पक्ष भी जाए मणिपुर, क्यों नहीं जा रहा है ये बताइए। हमने हमने सरकारें जो हम MP MLA चुन के जो सदन में भेजते हैं, ये इनको क्या करने के लिए भेजते हैं बताइए। तो जो अगर मान लीजिए विपक्ष गया है तो अपना तो सही जो विपक्ष का रोल है वो निभा रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं निभा रहे हैं? और जो स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री, इतना बेसर महिला बाल विकास मंत्री देखा आपने, जो कि मणिपुर पर नहीं बोल रही है। मणिपुर में आज बच्चों के भी दूध के वांदे हैं मैडम, पता है, खाने के वांदे, राहत शिविर में भी प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन क्या करें, ये जनता करे क्या? तो जनता कहती है कि प्रधानमंत्री ऐसा हो, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, ऐसा ही तो प्रतिनिधि चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, और JP नड्डा कह रहा है कि 2014 से पहले भारत घुटनों के बल रेंग रहा था। तो पहले इन दोनों निकम्मों से पहला पता तो करके आओ कि एक्चुअल बात क्या है। घुटनों पे चल रहा था, खड़ा कब हुआ? एक कहता है प्रधानमंत्री बाहर जा करके कि मेरे को जो है, पहले जो है भारत के लोग कहते थे भारत में पैदा होने पर मुझे शर्म आती है, हमें तो कभी नहीं आई। किसी इधर भाई जो भी खड़े हैं, किसी को भी अगर भारत में पैदा होने पर शर्म है तो बताओ, या जो सुनने वाले हैं उनको। तो ये प्रधानमंत्री ने कितना गंदा बात कहा था, इसको आप एक्सेप्ट करती हैं? आपको शर्म आता है भारत में पैदा होने पर? तो प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी नहीं कही थी? क्यों कही थी? और आज इंडिया पर भी बात कर रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन और में भी इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया। अबे ईस्ट इंडिया कंपनी के तो तुम लोग चड्डी धोए थे, धोए थे नहीं धोए थे? तो ये बताओ, तुम पहले कुछ भी बोल जाओगे और हम जनता सहन कर लेंगे? प्रोजेक्ट संसद भवन जिसका इनॉग्रेशन किया गया, लेकिन इस सत्र में एक भी मीटिंग उस सदन में नहीं हुई, उस संसद भवन में नहीं हुई। क्यों मालूम है मैडम? क्योंकि संसद भवन जो होता है वो कोई एक मिट्टी का दीवार नहीं होता, उसमें हम 140 करोड़ लोगों की भावनाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उससे बहुत उम्मीद होता है। लेकिन वहाँ पर कुछ दिखा नहीं, क्योंकि जिस संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, आप भी एक महिला हो, उसी दिन एक महिला को इसी जंतर मंतर की धरती पर जो है तिरंगा हाथ में ले करके ऐसा जमीन पर गिरा करके घसीटा जा रहा था। प्रधानमंत्री जी खुद उसका कार्य देख रहे थे, और उसी संसद में जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा था वो बिजभूषण, वो भी वही था। तो बताइए, ये सब चीजें हैं। इंडिया इंडिया की बात करें तो BJP और BJP के तमाम बड़े नेता जो है, सुनिए, वो कहते हैं कि नाम इंडिया रख लेने से इनका जो आचरण है वो नहीं बदलेगा, ये चोर थे, चोर ही रहेंगे। अच्छा, चोर कौन है बताइए? अच्छा, एक बात बताइए, चोर की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार नहीं थी तब देश में कर्जा था 55 लाख करोड़, और आज देश पर कर्जा है 155 लाख करोड़, तो चोर कौन है बताओ? मैं बार बार कह रहा हूँ कि गंगाधर ही शक्तिमान है, और लोग समझते नहीं है।
तो देश के विकास में पैसे लगा दिए, देश का विकास किया, खुद थोड़ी खाए हैं। अडानी देश है, अभी अडानी को देश समझ लियो तुम लोग, अंबानी को देश समझ लियो। अरे देश हम, जिस देश की जनता है, अडानी अंबानी। अच्छा एक बात बताइए, जनता का कितना कर्जा माफ हुआ है? जनता को राशन दे रहे हैं। भाषण, मैं भाषण की बात नहीं कह रहा हूँ, राशन, आवास योजना, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में क्या है बताइए जरा? बीमारी होता है अस्पताल जाने पर उसकी बीमा है। वो किस टाइप के लोग उसमें अप्लीकेबल होते हैं आपको पता है? जिनके घर पर ये ना हो, बाइक ना हो, मालूम है ना आपको? अब किसके घर पे नहीं है? तो ये देखिए, ये सब चूरन चटा रहे हैं ये, और हम लोग इनको जहर चटा देंगे अपने वोटों से। 3000 आवास दे दिए लोग गरीब जनता हा? को 3000 घर दे, ये लोग हम जनता को चूरन चटा रहे हैं, और हम ये चटाएंगे इस पर जो काला स्याही लगता है ना, वो चटा देंगे, और वो जहर का काम करेगा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, जनता भी समझ जाए कि 2014 में जो चाय बनाई थी, 2019 में उसे गर्म किया, 24 में फिर चाय गर्म करेंगे तो चाय जहर बनेगी। हाँ, तो जनता को अब संभल जाना चाहिए, नहीं तो चाय ने देश बर्बाद कर दिया है और जनता को भी बर्बाद कर दिया है। और वापस वो चाय अगर जनता गर्म करके पी लेगी तो चाय जहर बन जाएगा भाई, और 24 में ये मार देगा हमें। तो आपने साफ तौर पर सुना कैसे इन्होंने पूरी तरह से व्याख्यान करके बताया है कि चाय जो है वो दोबारा गर्म करेंगे अगर तो वो जहर बन जाएगा और जनता जो है पी कर मर जाएगी, इसलिए अब चाय नई बनाने की ज़रूरत है। इस बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ जनहित आवाज़।